जी मैं भी जरा वेट कर रहा हूँ, थाली में आ जाएगा तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तुकाराम 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 तुकाराम। गजल भाई ऐसे देख रहे, ऐसे लग रहे कि इन लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो क्यों निकाल रहे हैं। देखिए बसे बसे यहाँ पे आते हैं लोग पिकनिक के रूप में भी यहाँ पे मतलब आते हैं, साथ में थोड़ा सा उनका रिलीजियस गैदरिंग हो जाता है। ठंडी में बहुत आता है पिकनिक, ठंडी में ना। हाँ स्कूल का है यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र में, बराबर स्कूल से बहुत आपके चालू रहते हैं। 11 बजे लोग यहाँ पे दर्शन में, 11 बजे तक। इसको घाट बोलते हैं, इसमें पूरा मतलब जो भी वारकरी आते हैं तो उनको जो सुविधा नहीं नहाने करते हैं नदी में नहा लेते हैं। अच्छा हाँ, मतलब जो फंक्शन रहेगा ना यहाँ पे 10 दिन तो पूरा वहाँ पे रहने का, और यहाँ पे नदी में नहा के नहा लेते हैं पूरा। यहाँ पे पत्थर है जो नदी से जो उनका चक्रम महाराज का घाटा है, तो यहाँ पे पत्थर रहता था, तो अभी जो भजन बन रहा है उसके लिए लोग यहाँ भजन कर। अच्छा पे येवले नदी में। अच्छा। उनका संत तुकाराम का जो घाटा था पूरा वो पानी में जो अंदर गया था जो मतलब उन्होंने किया था, तो जो बाद में 13 दिन यहाँ पे उन्होंने ये जो मंदिर है पहला यहाँ पे 13 दिन उन्होंने पूरा तपस्या किया था, कीर्तन बीर्तन करके भगवान विष्णु जी को बुलाया था। अच्छा। विष्णु जी पानी में रहते ना, उनको बुलाया था, 13 दिन तपस्या करके उनको घाटा ऊपर आ गया, तभी वो गाथा वापस मिल गया। और वही जो गाथा आपको वो मंदिर में मिलेगा, गाथा मतलब जो उन्होंने लिखा था। हाँ, जो गाथा वो मंदिर में मिलेगा। हाँ, पुराने वाला मंदिर, शिला मंदिर में। शिला मंदिर में ना, वहाँ पे अपना भगवान श्री विठल, उधर मंदिर गांव में बराबर उधर रखा हुआ है कांच में। अच्छा, वही गाथा अंदर चला गया, नदी से निकल गया, यहाँ पे जो पत्थर है वहाँ पे रखा था धूप में, तो इसलिए वो कीर्तन बन रहा। अच्छा, वहाँ पे वो कीर्तन इसीलिए हो रहा था। तो भाई एक्चुअली जाना जो भी अभंग इन्होंने लिखा था संत तुकाराम जी महाराज ने, यहाँ पे डूब गई थी, इन्होंने 13 दिन तक यहाँ पे तपस्या की थी, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अभंग निकाल के वहाँ से यहाँ पे इन्होंने रखा था। बहुत कुछ इसके मतलब जो यहाँ पे होली प्रेमाइसिस है पूरा, जो संत तुकाराम महाराज जी का है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया। और मेरे साथ रोशन जी है, मैं शायद उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, बट इन्होंने मुझे बहुत कुछ मतलब इन्होंने यहाँ पे मुझे लेके आया और सब कुछ बताया इन्होंने कि यहाँ का प्लेस कैसा है, इंद्रायणी रिवर और सब कुछ इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब आप एक मार्च से जब लोग आना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लोग आते हैं, और जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नहाना सब कुछ इनका चालू रहेगा, कपड़े वगैरह यहाँ पे धोएंगे, तो बहुत भीड़ होने वाली। कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 10 मार्च के बीच में भी यहाँ पे एक बार जरूर आऊँ। और यही मेरे पीछे आप देख सकते हो इंद्रायणी नदी है, कभी सूखती नहीं ऐसा इन्होंने कहा है। और मैं भी जब गणपति के टाइम वहाँ पे जब मैं चिखली में गया हुआ था तो रिवर उसमें बह रही थी, और पानी तो ठीक है भाई इस तरीके से है। और मंदिर के ठीक पीछे है, क्योंकि ये मंदिर आपको पता होगा, ये मंदिर है दिखा मैंने, और मंदिर के ठीक पीछे आपकी इंद्रायणी नदी है, और यही सब कुछ है भाई। इसके बाद में ऑलमोस्ट चीज़ें हमने देख ली है, हमारा क्या रह गया है 12 से 2 तक जो यहाँ पे वहाँ प्रसाद मिलता है, जो खाना यहाँ पे मिलता है, खाना पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ रहता है, 365 दिन रहता है 12 से लेकर 2 के बीच में, लोग यहाँ पे आते हैं खाते हैं। और एक खाना जो है कैसे होता है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है कि जो भी लोग सेवा देते हैं, जो भी अपने तरफ से, जैसे अगर आप एक दिन आप कितना अन्नदान के लिए कितना देते हैं, 15,000 रुपया एक दिन का, 15,000 रुपये उसके नाम से अन्नदान किया जाए। हाँ, तो अगर आपको भी अपने नाम से अन्नदान कराना है तो 15,000 रुपये
किसमें? गाथा मंदिर में आपको 15,000 रुपए आपको डोनेट करना पड़ेगा। एक दिन का जो भोजन यहाँ पे जो व्यवस्था होगी, 300-400 लोगों की जो भोजन की व्यवस्था होगी वो आपके नाम से होगी, और उसका जितना भी पुण्य रहेगा वो आपको मिलेगा, है ना भाई। तो अभी भाई साहब के मतलब परेश भाई के बच्चे का बर्थडे है अगले महीने, तो इन्होंने मतलब एक दिन का अपना पेमेंट कर दिया है 15,000। अगले महीने होगा, अगले महीने करेंगे। 21 अप्रैल को बर्थडे है, तो जिस दिन है उसी दिन आप दोगे, उसके दो दिन पहले आप 15,000 रुपए देंगे। तो इनके ही नाम से मतलब इनका जो भी वहाँ पे होगा बच्चे के नाम से पूरा खाने की व्यवस्था रहेगा। जितने भी लोग खाएंगे उस दिन 15,000 रुपए, जितने भी लोग होंगे सबका जो पुण्य होगा परेश जी को और छोटे से बच्चे को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं उसका काफी अच्छा होगा मतलब उसके लाइफ। तो भाई छोटे छोटे बच्चे पिकनिक आए हुए हैं और ये मेरे साथ है, मैंने आपको मतलब पहले भी दिखाया इनको, और इन्होंने बहुत सारी बातें ऑफ कैमरा भी बताई मुझे बहुत अच्छा लगा चीज़ों को जान के, मतलब क्योंकि कैसा होता है ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है भाई, मतलब जब भी मुंबई में किस तरीके से रहते हैं, मुंबई में कांदिवली में, और वहाँ पे जो सेवाएं देते हैं, जब एक बच्चे यहाँ पे जो पढ़ते हैं, बच्चे एग्जाम देने के लिए मुंबई के विले पार्ले जाते हैं, 10 दिन वहाँ पे रुकते हैं, फिर इनके जो ससुर है जो यहाँ पे ऑलरेडी अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए खाना पीना नाश्ता हर कोई चीज़ मतलब अपने पास से लेके इनके ससुर लेके जाते हैं। भाई भी मतलब मॉनिटरी टर्म में या कोई भी चीज़ होती है घर पे इडली वगैरह बना के नाश्ते के लिए उनको देते हैं, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, क्योंकि अपने लिए तो भाई हर कोई जीता है, जो दूसरे के लिए जिए वही इंसान है। तो सच में भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे अभी बोले मैं तो निकल रहा था क्योंकि मुझे पता था 12 से 2 यहाँ पे खाना मिलता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था वेट करने का, बट ठीक है भाई ने बोला कि आप एक बार देख लो दिखा दो लोगों को, तो मैं जरा वेट कर लेता हूँ, जैसे ही स्टार्ट होगा वो भी कवर करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे खाना खाने का तो उधर लेडीज के लिए हाथ धोने के लिए, यहाँ पे जेंट्स लोग के लिए हाथ धोने के लिए भाई, और वहाँ पे लेडीज लोग के लिए हाथ धोने के लिए है, खाने के लिए लोग यहाँ पे बैठते हैं, और ये ओपन कर दीजिए हॉल। अच्छा ये हॉल है अंदर, धीरे धीरे ओपन करेंगे अभी, और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का मंदिर है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे वीडियो निकाल लेते हैं। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज जी का देखिए मंदिर है ऊपर, और ये पूरा यहाँ पे भाई हॉल है जहाँ पे लोग बैठते हैं और कीर्तन करते हैं, यहाँ पे कीर्तन चालू है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि। तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसी खाने की व्यवस्थाएं होती हैं, और आप कहीं भी बैठ के खाना खा सकते हो। राम कृष्ण हरि, यहाँ पे जो लोग शिक्षा लेते हैं राम कृष्ण हरि, वे सब जो लोग खाना खा रहे हैं उसके बाद में फिर इन्हीं लोग मतलब खाना खिलाते हैं लोगों को। जरा मैं कहीं पर बैठ जाता हूँ, एक बार चेयर मिल जाती है यहाँ पे, मैं बैठ जाता हूँ। और कैसे क्या बसा है, राम कृष्ण हरि। मेरे पीछे आप जितने भी लोगों को देख पा रहे होंगे, सभी वो लोग हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और खाना खाने के बाद में ये लोगों को खिलाते हैं। भाई तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ खाने के लिए, थाली मेरे सामने है, थाली में नमक है, इस तरीके की पानी वगैरह का ग्लास भी रखा गया है। जो यहाँ पे भक्ति, जो यहाँ पे भोजन के लिए जो महाप्रसाद मिलता है पूरा फ्री है, और 365 दिन चलता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। अभी घड़ी में बज रहे हैं 12:30, तो कभी कभार थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और ये देखिए ऐसे ये लोग हैं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इन लोग यहाँ पे पूरी व्यवस्था मैनेज करते हैं, लोगों को खिलाते हैं भाई। तो मैं जरा देखता हूँ कि खाने में क्या क्या आता है, और प्रभु का नाम लेके महाप्रसाद खाता हूँ भाई, और आप भी देखिए। भगवान का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं, तुकाराम 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 तुकाराम। बहुत थोड़ा ही देना, बहुत थोड़ा सा देना, बस बस बस।
एक एक राम कृष्ण गुरु राम कृष्ण गुरु। भाई पहली प्रेयर हो गई मतलब खाने के पहले वाली, भगवान का जो भी हमने प्रेयर्स किया, उसके बाद में मैं जा रहा हूँ भोजन ग्रहण करने प्रभु का नाम लेके। और खाने में भाई यही है, देख लो, दाल चावल रोटी सब्जी हलवा, पूरा खाना है। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार खाना दे दिए तो भूल गए, खाना खाते समय कुछ कम पड़ गया कुछ ज़्यादा हो गया तो आपको यहाँ पे बराबर मिलता रहेगा चपाती सब्जी जो भी आपको चाहिए। अब दोबारा लोग ऐसे घूमते रहेंगे और आप मांग सकते हो। तो भाई थाली मेरी पूरी खत्म हो चुकी है, साफ हो गया, मतलब मैंने सब कुछ खा लिया है। और खाने के बाद में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो खाने का टेस्ट है, जो क्वालिटी है और जो क्वान्टिटी है, एक धर्मशाला में या फिर इस तरीके से बहुत ही बेहतर है भाई। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, सीधा तो मैंने दो बार लिया। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि अगर आप भी कभी खाने आओ तो प्लीज़ जितना भी आप खाने में लेना उसे खा ही लेना, कुछ छोड़ना मत, अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैंने तो भाई बिल्कुल देखे थे, थाली मेरी साफ हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थाली वहाँ पर रख दूँगा। शायद थाली रखने भी नहीं देते, इन लोग खुद ही रखते हैं, बट मैं जाके यहाँ पर रख देता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ। फिर तो भाई खाना वाना खाने के बाद में बाहर आ गया हूँ और लगभग सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया है, तो अब हम घर जा सकते हैं। घड़ी में बज गया है एक और प्रीति भी मेरा घर पे वेट करती होगी। और थैंक यू सो मच भाई, आप भाई की वजह से मैं यहाँ पे रुका खाने के लिए, नहीं तो मैं तो निकल गया होता, क्योंकि 11 से 12 में क्या ही करता, एक घंटा रुका। और बहुत अच्छा लगा खाना, बहुत प्रेशर था, प्रेशर बहुत 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 अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। भाई नमस्ते, हम भी प्रेशर करेंगे अभी आओगे ठीक है। तो ये लोग मुंबई वाले लोग मुझे मिल गए, मैं भी मुंबई से हूँ, यूट्यूब हाँ, तो भी मैं वीडियोज़ होगा।